हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा पंचकुला में दो दिवसीय अमृत जल क्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक स्रोत से पानी का स्रोत नहीं, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि भूजल दोहन और इसके उपयोग की भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और साल भर में भूजल का आकलन किया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला के शिक्षा सदन में हुई इस बैठक में शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव है और हर राजनीतिक दल चुनावी मोड में है, जिसको लेकर वो भी जनता के बीच में जाकर हरियाणा सरकार की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सिरसा में मेडिकल कॉलेज जल्द तैयार होने की बात कही। किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में 57% गेहूँ का उठान हो चुका है और 27 लाख मीट्रिक टन गेहूँ गोदामों में पहुंच चुका है और इस हफ्ते के अंत तक हरियाणा में बचा हुआ गेहूँ भी उठा लिया जाएगा। गुरुग्राम के घामड़ौज टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। सिकड़ी में ग्रामीण घामड़ौज टोल प्रबंधन के खिलाफ एकजुट हुए और 16 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद टोल प्रबंधन ने टोल के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले गाँव को टोल से छूट दी थी, लेकिन टोल कंपनी बदलते ही ये छूट वापस ले ली गई और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव वालों से भी बदसलूकी कर टोल प्लाजा में टोल वसूला जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है और ग्रामीण सरकार से टोल को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहे हैं। हिसार में HPGCL से जुड़े कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने खेदड़ थर्मल प्लांट के मेन गेट पर धरना दिया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा को बंद करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था, पर अभी तक HPGCL में काम कर रहे हजारों कर्मचारी आज भी इससे वंचित हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग की। पानीपत में HIV के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले 18 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच के युवाओं के हैं। CSC और HIV सेंटर पर 26,000 से ज्यादा लोगों का HIV टेस्ट किया गया, जिसमें से 300 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। HIV को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है, जिसके चलते लोग टेस्ट करवाने के लिए जल्द सामने नहीं आते। लोगों को रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए, तभी इस लाइलाज बीमारी से जीता जा सकता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दफ्तर में 8 कर्मचारी छुट्टी पर मिले और जबकि 7 लोग अपनी सीट से नजारत थे। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर निगम में पहुंचे लोगों से अधिकारियों के तालमेल को लेकर बातचीत की और लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम में छापेमारी की कार्रवाई की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और पहलवान भी दोनों संगठनों को अपने मंच पर समय दे रहे हैं। इसी के तहत सोनीपत से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का एक जत्था समर्थन देने रवाना हुआ। वहीं किसान संगठनों के साथ खाप पंचायतें भी पहलवानों को सपोर्ट कर रही हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में ट्रांसपोर्टर को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर उससे 60 लाख रुपए कैश, सोने और डायमंड की ज्वेलरी और क्रेटा कार की वसूली की गई। दिल्ली के रहने वाले ट्रांसपोर्टर से लाखों की वसूली को अंजाम देने के बाद एक बार फिर 30 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर ने पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज करवाया, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। अम्बाला पुलिस ने कारें खरीदने और बेचने की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 किलो 6 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।